Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we gonna discuss about the last assignment of Oedipus Rex. So, philosophy of Sophocles. Philosophy in Oedipus Rex. The thesis of the play means इसका जो overall message है वो हम आज discuss करने जा रहे हैं. Oedipus में जो Sophocles ने अपनी फिलॉसफी प्रेजेंट करने की कोशिश की है बेसिकली वो क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें उसने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है. द वेरी फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेमेसिस. नेमेसिस जो है इसका जिक्र हम जो है वो लास्ट में भी जाके पढ़ेंगे इसी असाइनमेंट के, लेकिन चले मैं इसको पहले भी जो है वो एक पॉइंट की शक्ल में आप लोगों को बताने लगा कि इस असाइनमेंट में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट द फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेमेसिस. नेमेसिस असल में है क्या, तो इसको जो है हम टेक्निकली समझने की जो है वो कोशिश करते हैं. टेक्निकली अगर हम नेमेसिस को देखें तो जितने भी ग्रीक प्लेस पहले लिखे जाते थे जिनमें बहुत से कहने के एस्कलेस ने बहुत से प्लेस लिखे, उसके बाद जो इसके सोफोक्लीज के जो कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरी कहते हैं हम असल जो इसकी ही एज में जो दूसरे राइटर काम कर रहे थे वो ये समझते थे कि फेट इज़ एवरीथिंग एंड करेक्टर इज नथिंग. ठीक है, जो गॉड्स होते हैं वही फेट को डिज़ाइन करते हैं और हमारा करेक्टर जो है वो कुछ नहीं होता. गॉड्स जब चाहते हैं हमें जिस तरह से मर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं. वी आर लाइक पपिट्स. ठीक है, हम जो है वो पपिट्स की तरह हैं और गॉड्स जो है वो जिस तरह से हमें चाहते हैं हमें यूज़ करते हैं, हमें सजाएं देते हैं और ये सारी चीज़ें. ये आते थी नेमेसिस के कॉन्सेप्ट में. बट सोफोक्लीज इज़ द पर्सन हु चेंज दिस कॉन्सेप्ट. उसने कहा कि कोई भी जो शख्स है वो अपनी किस्मत जो है वो खुद बनाता है. 30% जो है वो फेट हो सकती है इंसान की, लेकिन 70% अपनी फेट को आर्किटेक्ट करने में बिल्कुल जो है वो एक पर्सन का हाथ होता है. ठीक है, गॉड्स जो है वो हमें जो कहने के फेट तो वो बनाते हैं, लेकिन गॉड्स जो है वो हमें कहने के कामयाब होने के या किसी चीज़ से बचने के जो है वो चांसेस देते हैं. फेट जो है वो हमेशा हमारी लाइफ में चांसेस के जो है ना उसमें यानी कि फॉल करती है, चांसेस की शक्ल में हमें जो है वो मिलती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें अगर एक बंदा जो है वो नौकरी मेरे घर पर आगे खड़ी है, मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है कि आओ भाई तुम्हें इस कॉलेज में जो है वो हम नौकरी देते हैं और ये एक फलां काम करते हैं तुम्हारे लिए, मुझे ऑफर्स भी है, लेकिन उनको मैं अडॉप्ट नहीं करता तो इसमें मेरी का मकली है ना, इसमें गॉड का तो कोई कसूर नहीं है. अल्लाह ताला की ज़ात ने तो मुझे चांस दिया कि यार मैं नौकरी कर लूँ, लेकिन अगर मैं उसे अपनी ना समझी ना अकली की वजह से नहीं अडॉप्ट करता या नहीं अवेल करता तो वो तो मेरा है ना, मतलब इसमें कसूर, उसमें नौकरी का तो कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात का तो कोई कसूर नहीं है. तो इंसान जो है वो अपनी किस्मत जो है वो खुद बना रहा होता है. सो सोफोक्लीज ने जो है वो ये कॉन्सेप्ट उनका चेंज किया था. उसने एक इनोवेशन लेके आया था कि यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम जो है वो गॉड टोटली तौर पे जो है वो हमें कहने के मतलब हम जो है वो टोटली फेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और गॉड जो है वो जालिम होते हैं कि जिन्होंने हमारी इस तरह की किस्मत बनाई है. नहीं, हर इंसान को अपनी किस्मत बदलने का हक होता है. हर इंसान जो भी मेहनत करता है वो अपनी किस्मत जो है वो बदल लेता है. जैसे हम अगर इसको ईडीपस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ईडीपस के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चला कि ईडीपस जो है इसको हर हर कदम पे जो है वो मौका दिया गया, चांस दिया गया. उसकी फेट जो है वो तो चले जो भी थी, लेकिन उसको अपने आप को बचाने का मौका जो है वो हर कहने के कदम कदम पे उसको मौका दिया गया कि वो बच जाए. ट्रीसियस ने भी उसको मौका दिया. ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली वो ट्रीसियस से मौका उसको मिला. टीशियस ने उसको बताया कि तुम्हें जो है वो उसका नॉलेज जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है. ठीक है, ये उसने कोड वर्ड में उसको बताने की कोशिश की, लेकिन ईडीपस जो है वो नहीं समझा.
अगर हम क्रियोन के मामले में देखें, जब वो क्रियोन सबके सामने जो है वो कह रहा था कि हमें अंदर चल के नहीं बात करनी चाहिए, जब वो ओरेकल के बारे में सुन के आया था, लेकिन ईडीपस ने वहां पे क्या कहा? ईडीपस ने कहा नहीं, ये इन लोगों का मसला है, सो मैं इन्हीं के सामने जो है वो बात करूंगा। यहाँ पे भी चांस फेट ने उसको दिया। उसके बाद शेफर्ड, जुकास्टे, इन सब ने जो है वो इसको बारी बारी चांसेस दिए। गॉड ने उनके जहन में डाला कि इसको जो है वो चांस दिया जाना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा क्लूज भी दिए गए, लेकिन उसने एक भी क्लू जो है वो अवेल नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी जो है वो हो गई। ठीक है, एक तो फेट और फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें दिया गया कि जो फ्री मतलब फेट ही सब कुछ नहीं होती, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। ठीक है, तो ये हमने फेट एंड कैरेक्टर में भी इस चीज को डिस्कस किया था, सो दैट्स वाई मैंने अब भी जो है वो इसको डिस्कस कर दिया, क्योंकि ओवरऑल इसमें क्या क्या मैसेजेस दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो है जी कॉस्मिक, कॉस्मिक पावर। कॉस्मिक पावर बोलते हैं गॉड्स की जो पावर होती है उसको, ठीक है, खुदाई काम। यहाँ पे देखें कि कहीं पे भी हमें ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आया कि गॉड जो है वो टायरेंट है और वो अचानक से हर चीज पर जो है वो हमला कर देते हैं, अचानक से इंसान की किस्मत को जो है वो बदल देते हैं। नहीं, वो भी हमेशा जो है वो हमें कहीं पे भी देखें, ईडीपस ने जो है वो एक चेन ऑफ एरर कमिट की थी। ये नहीं कि उसने एक एरर कमिट किया था और उसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी हो गई, नहीं, एक पूरी चेन थी। कहाँ कहाँ पर उसने क्या क्या गलतियां की, उसमें क्या क्या वीकनेसेस थी, उसकी वजह से उसका जो है वो डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, तो ये कोई एक मिस्टेक की वजह से जो है वो उसका डाउनफॉल नहीं हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया गया है, जब भी इंसान अपनी जो गॉड ने उसके लिए लिमिटेशंस लगाई हैं, जब भी इंसान उनको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो तबाह और बर्बाद होता है। जब भी गॉड्स के राज को जानने की कोशिश की जाती है या इंसान अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करता है तो वो तबाह और बर्बाद होता है। ठीक है, उसको सजा मिलती है उसकी। अब देखें, अगर हम इसको पुराने पाक के जो है वो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, जो फल खाया था, जो मतलब गंदुम का दाना खाया था, कुरान पाक में भी उसका जिक्र आता है, तो उन्होंने अपनी लिमिट्स तो क्रॉस की थी, उन्होंने नाफरमानी ही तो की थी। ठीक है, उन्होंने ब्लैस्फेमी ही तो की थी, तो उनको जो है वो ये सजा मिली। शैतान, उसने एक सजदा ही तो नहीं था किया और उसको जन्नत से जो है वो हमेशा के लिए निकाल दिया गया, हालांकि उसका जो रुतबा था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, सो ये चीज़ जो है वो ईडीपस से भी हुई है, उसने अपनी लिमिटेशंस क्रॉस की है, उसने गॉड्स को जो है वो ब्लैस्फेमी, गॉड्स को जो है वो मतलब शिर्क किया है, ब्लैस्फेमी कमिट की है, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करने की कोशिश की है। ठीक है, सो उसको जो है वो ये सजा मिली। उसके बाद प्राइड जो है वो आपने देखा होगा कि हर रिलीजन में प्राइड को जो है वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया गया है। ठीक है, रैशनेस को डिसलाइक किया गया है, तो ये जो उसकी चीज़ें हैं, एरोगेंस को भी डिसलाइक किया गया है। सो ये जो उसकी चीज़ें हैं, ये सारी उसके सारे उसके फ्लॉज में जो है वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ये उसके फ्लॉज हैं जिसकी वजह से उसकी ट्रेजिडी जो है वो हुई है। ठीक है, अगर वो ये फ्लॉज कमिट ना करता, अगर वो सोच समझ के जो है वो चलता, तो शायद उसकी लाइफ जो है वो बच सकती थी। तो ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ये कहने के नेसेसिटी ऑफ फेट के जरिए जो है वो हुई है। कहीं पे भी हमें ये नहीं लगता कि ईडीपस के जो है वो हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है, खुदाओं ने, और ईडीपस को जो है वो कोई अक्ल समझ बूझ जो है वो नहीं दी, या ईडीपस जो है वो उसके पास फ्री विल नहीं है, ईडीपस आज़ाद है, उसमें सोचने समझने की कुव्वत है। ठीक है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, वो एक किंग है और एक हैवी प्लेस पे बैठा हुआ है, ये नहीं कि कोई आम सा बंदा है। ठीक है, वो एक किंग है और एक किंग क्या होना चाहिए, वो क्या होता है, ठीक है, इसका हमें बहुत जो है वो अंदाजा होना चाहिए। सो चलें, अब ये तो थे इसके मेन पॉइंट्स। ठीक है, इन मेन पॉइंट्स को आप जहन में रखिएगा और इन्हीं के ही जो है ना वो कहने के इन्हीं के बरअक्स जो है वो हम इस असाइनमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज असाइनमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यू सेंटेंस
इंट्रोडक्शन पहले लिखना है आपने, ठीक है, जैसे आपको सिखाया गया है क्वेश्चन आपने किस तरह से बनाना, पहले इंट्रोडक्शन। लास्ट सेमेस्टर में भी इस पे जो है वो काफ़ी मेहनत की गई थी। मैन ऑफ लिटरेचर होल्ड्स दैट एवरी ग्रेट वर्क हैज़ अ फिलोसफी टू कन्वे, तो हर काम जो है जो भी लिटरेचर होता है, मतलब लिटरेचर पीस ऑफ लिटरेचर है, उसमें कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर होता है। एक अच्छे काम की निशानी यही होती है कि उसमें एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा होता है, तो वो प्लीज़ भी यहाँ पे अपने जो मैसेजेस हैं उनको कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है। ईडिपस रेक्स एक बड़ी कहने के रिमार्केबल ट्रेजेडी है, और ये बहुत सालों से, बहुत अरसे से जो है वो पढ़ी जा रही है, ठीक है। और इसमें हमें ज़िंदगी के बहुत से असूल देखे ना, ये सारी चीज़ें हमारी हमारी लाइफ में भी होती हैं। किस्मत जो है वो, किस्मत जो है वो कहने की ये एक यूनिवर्सल प्ले है, हर हर बंदे की लाइफ में जो है ये फेट का रोल जो है वो होता है, और हर बंदे की फ्री विल भी होती है, ठीक है। तो ये जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो इसमें मैसेज कन्वे किया जा रहा है, यूनिवर्सल। एक स्टोरी तो जो है, ये तो फिक्शन हुई ना, स्टोरी तो फिक्शन है, लेकिन इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो बहुत ऑथेंटिक मैसेज है, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग अगर इसको इस मैसेज को जो है वो इंटरप्रेट करे और समझे, तो अपनी लाइफ को जो है वो चेंज कर सकता है। कि यार ये नहीं कि मैं अपनी किस्मत जो है वो नहीं बदल सकता, जैसे कहा जाता है कि हर इंसान जो है वो आज़ाद पैदा होता है, हर इंसान जो है वो, हो सकता है कि हर इंसान, कोई भी इंसान अपने मुंह में सोने का चम्मच जो है वो लेके पैदा नहीं होता। इंसान इस दुनिया में ही आके सीखता है, ठोकरें खा खा के ही सीखता है। ये एक इंसान का कसूर नहीं होता कि वो गरीब पैदा हुआ, लेकिन ये उसका ज़रूर कसूर होता है कि वो एक गरीब बन जाए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जब इंसान को पैदा करती है, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान को जो है वो, हर इंसान की लाइफ में जो है वो, उसको जो है वो मौके मिलते हैं कि वो अपने आप को संवार ले, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दो रास्ते दिए हैं, ठीक है, जिसमें एक अच्छा है और बुरा है। ये इंसान पर डिपेंड करता है वो कौन सा रास्ता अपनाता है, वो अच्छे को अपनाता है या बुरे को अपनाता है, कौन किस वे से जो है वो इंसान को जो है वो, पुराने पाक बार बार इस चीज़ पे जो है वो फोकस करता है कि गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, ठीक है। सो ये जो गौर व फिक्र है, ये बेसिकली है क्या, ये इन्हीं चीज़ों से तो रिलेट कर रही है कि गौर व फिक्र जो है वो यही चीज़ें होती हैं। इंसान ने, इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने फहम दिया है, अक्ल दी है, सोचने समझने की कुव्वत दी है। इंसान सोचे इस चीज़ पर और इस चीज़ों के बारे में सोच के उनको अपनी अक्ल से हल करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे अल्लाह की जो है वो मर्ज़ी होती है। इंसान जब नेक नीति से कोई काम करता है, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी उसकी मदद करती है। तो यहाँ पे फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है वो उसने पहले जो जितने भी राइटर्स थे ग्रीक जो है वो ओरिजिन में, या ग्रीक जो है वो क्या कहते हैं लिटरेचर लिख रहे थे, उनमें एस्किलस का एक बहुत बड़ा नाम है, वो हम आगे इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके तीन प्लेस जो है वो पढ़ने हैं एस्किलस के, ठीक है। सो उसको हम तब डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को उसके मुताबिक भी हम डिस्कस जो है वो इंशाल्लाह करेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट में ये जो फेट है और ये जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सो अब हम ईडीपीएस पढ़ रहे हैं, स्पोकलीज को पढ़ रहे हैं, तो हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में ही इसको डिस्कस करना है। अच्छा, तो यहाँ पे एस्किलस की थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट किया गया, जिसने कहा था कि नो विल, ठीक है, कि विल जो है वो कोई चीज़ नहीं होती, करेक्टर कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ जो है वो पूरी की पूरी इंसान की फेट पर जो है वो डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। इंसान कहने के जो इंसान की किस्मत में लिख दिया गया है वो होके रहना है, लेकिन सोक्लीज ने इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट किया और उसने कहा गॉड्स जो है वो फ्री विल का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमें देते हैं। इंसान का करैक्टर होता है जो कहने के इंसान को, इंसान अपने ही अमाल की वजह से जो है वो फंस जाता है। ये इंसान का करैक्टर होता है जो इंसान को कामयाब करवाता है और इंसान को जो है वो नाकाम करवाता है, ठीक है। तो ये सारे उसके जो कंटेम्प्रेरीज थे उनकी जो फिलॉसफीज थी उनके बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो स्पोकलीज की फिलॉसफी थी, और कह लें कि ये एक बहुत इनोवेटिव
जो है वो फिलासफी थी, इसने लोगों के माइंड को जो है वो चेंज कर दिया था। सो प्लीज सीम्स कन्विंस दैट देयर इज अ मॉरल यूनिवर्सल पर्पस गाइडिंग द होल ऑर्डर थ्रू ह्यूमन बीइंग्स आर ऑब्वियस अबाउट इट। द फिनोमेना डिसर्न द लिमिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर हूएवर ट्राइज टू ट्रेपास द लिमिट इट लिमिट्स इज स्ट्रक डाउन। तो जो गॉड्स होते हैं ये कहने के इंसान को जो है वो कुछ हद जो है वो उसके लिए लगाई जाती है, और जब भी इंसान उसको जो है वो पार करने की कोशिश करता है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है, तो गॉड्स जाहिर सी बात है उसको जो है वो पनिश करते हैं। तो ये पनिशमेंट जो होती है वो एकदम जो है वो नहीं जो है वो मिल जाती। ये ऐसे ही है जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान जो है वो गुनाह करता रहे करता रहे करता रहे और गुनाहों का जो है वो ढेर लग जाए। हम अपनी लाइफ में कितने ही गुनाह करते हैं रोज, कितने पता नहीं हम जाने अनजाने में जो है वो गुनाह जो है वो कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमें फौरन उनकी जो है वो सज़ा नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो उसने इतने साल पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। ठीक है, मतलब इन इस्लाम के आने से पहले जो है ये कहने के कॉन्सेप्ट दे दिया था उसने उस एज में। तो ये अगर हम इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें एज अ मुस्लिम, हमारा जो है वो क्या बिलीफ होता है, देखें ना कि ये किस तरह से इस चीज़ के साथ जो है वो मैच कर रहा है कॉन्सेप्ट कि उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। सो हम इसको जो है वो ड्रामा की ही रूप से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चले नेक्स्ट जो है वो इसको चलते हैं। द फेट इज ऑलवेज देयर टू प्रेजेंट मैन विद द सेट ऑफ चॉइसेस। तो फेट जो है वो हमेशा किस जो है वो उसमें होती है, वो चॉइसेस में होती है। ये इंसान की चॉइस होती है कि वो गुड को अडॉप्ट करे या बैड को अडॉप्ट करे, इंसान के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर वो रॉन्ग चॉइस करेगा ठीक है तो वो क्या बन जाएगा, कल्प्रिट बन जाएगा या सिनफुल पर्सन बन जाएगा। ठीक है, गुनाहगार जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर वो सही चॉइस करता है ठीक है, सो सही चॉइस करने पर उसकी कामयाबी है। अ माइन्यूट एनालिसिस ऑफ सोफोक्लीस प्लेज रिवील्स दैट ही रिगार्डेड द गॉड्स टू बी पावरफुल बट नॉट विलफुली मैलिग्नेंट। ठीक है, गॉड्स जो है वो पावरफुल ज़रूर है लेकिन गॉड के दिल में कोई भी मैलस नहीं है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। गॉड्स जो है वो ईडीपस से नफरत नहीं करते या उनका कोई पर्सनली जो है वो उसके खिलाफ मैलस नहीं है, वो उसको चांसेस देते हैं। लेकिन ये ईडीपस पे डिपेंड करता है कि जो बड़े बड़े दावे करता है, आई ईडीपस हु बियर्स द फेमस नेम नोबलेस्ट ऑफ मैन, और इसको बहुत बड़े बड़े टाइटल दिए जाते हैं। मतलब वो इतने अपने आप को अक्लमंद समझता है और उसने स्फिंक्स की रिडल भी सॉल्व की, उसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन कहाँ पे आके जो है वो फंस गया कि वो अपनी ही जिंदगी की रिडल को नहीं सॉल्व कर पाया। सो ईडीपस गॉड्स जो हैं वो कभी भी उसके साथ जो है वो उस तरह से पेश नहीं आए। ये ईडीपस का जो है वो अपना ही कह लें कि इसकी विल थी, अपना ही जो है वो इसका करेक्टर था जिसकी वजह से उसकी ट्रेजिडी जो है वो हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें ईडीपस रेक्स गॉड डू नॉट सीम रैंडम इन देयर पनिशमेंट। तो गॉड ने फौरन उनको जो है वो पनिश ईडीपस को फौरन पनिश नहीं किया। ठीक है, उसने एक चेन ऑफ कहने के मिस्टेक्स कमिट की थी जिसकी वजह से उसकी ट्रेजिडी जो है वो ट्रेजिडी वो हुई है। ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल कि उसने एक गुनाह जो है वो कमिट किया और फौरन से उसको जो है वो सजा मिल गई। हमने ईडीपस प्ले पढ़ा और इसमें हमने अगर हम प्लॉट को जहन में रखें तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो उसमें देख पाते हैं। द ट्रेजिडी टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी ऑफ फेट। ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ फेट ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों से पहले जो है वो डिस्कस कर दिया कि उसने एक चेन पूरी कमिट की थी। ठीक है, फेट में तो उसकी जो था वो था। ठीक है, 30% जो है वो फेट हो सकती है लेकिन 70% जो है वो उसका करैक्टर ही इन्वॉल्व था जो जिसकी वजह से उसकी ट्रेजिडी जो है वो हुई है। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी।
As we scrutinize play, we deduce that God spoke his conception are just and punished for his own evil deeds and not because of any malice against them. ये वही बात जो आगे मैंने कर दिया कि गॉड्स का जो है वो पर्सनल मैलेस कोई बुगज या कीना उनका जो है वो पर्सनली उसको हेट नहीं करते थे, ना ही जो है वो कोई उनकी दुश्मनी थी उसके ईडिपस के साथ, ये ईडिपस के अपने ही एक्शन से जिसकी वजह से वो तबाह हो गया. Thus in Oedipus Rex, वो प्लीज डस नॉट बाइंड हैंड्स ऑफ ईडिपस. ये भी बात हमने जो है वो कर ली है कि वो प्लीज ने ऐसा नहीं दिखाया कि ईडिपस के जो है वो हाथ बंधे हुए हैं और वो कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता और गॉड जो है वो मर्सीलेस है. नहीं, गॉड ने उस पर रहम भी किया, गॉड ने उसको मौके भी दिए, लेकिन ईडिपस ने जो है वो ये सारे मौके वन बाय वन जो है वो गंवा दिए. इन अदर वर्ड्स, ईडिपस इज नॉट ऑफर्ड टू द गॉड्स. अच्छा जी, ऑफर टू द गॉड्स टू हैव देयर सपोर्ट विद हिम. ना ही ईडिपस हमें कहीं ऐसा नजर आया कि गॉड्स वो एक पपिट की तरह है और गॉड उसके साथ जो है वो खेल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. ठीक है, ईडिपस इनोसेंट वर्चुअस मोटिव्स आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रूव हिमसेल्फ होम प्रूव हिम गिल्टीनेस. मतलब ईडिपस जो है वो एक ब्यूटीफुल किंग भी हमें नज़र आ रहा होता है, वो वर्चुअस है और उसके मोटिव्स जो हैं वो कोई इतने कह लें कि कोई मैलस वाले मोटिव्स नहीं हैं उसके. ठीक है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो लोगों की फलाह के लिए ही काम कर रहा होता है, लेकिन ये उसको गिल्टीनेस बेकसूर साबित करने में ये सारी चीज़ें प्रूव नहीं होती. कहने के ऑन द अदर हैंड उसने जो है वो ब्लैस्फेमी भी कमिट की है, उसमें प्राइड भी है, उसमें एरोगेंस भी है, उसमें रैशनेस भी है और ये सारी चीज़ें. उसने गॉड्स की लिमिटेशंस को क्रॉस किया, उसने गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट किया कदम कदम पे. ड्यूकास्टे के साथ भी उसने जो है वो मिल के ब्लैस्फेमी कमिट की जब वो ओरेकल्स को जो है कहता है कि दीज आर द एम्प्टी वर्ड्स, ये एम्प्टी वर्ड्स हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये सारी चीज़ें भी उसने कमिट की. ठीक है, उसके बाद अगर हम उसको देखें, ये कोटेशन पढ़ें, तो इस कोटेशन में हमें बताया जा रहा है कि उस किस तरह से उसका जो प्राइड है वो जाहिर हो रहा है. ठीक है, वो अपने आप को बहुत प्राउडली जो है वो कहने के फील करता है कि जब ट्रीसियस के साथ जो है वो डिस्कशन कर रहा था, ट्रीसियस और उसकी बातचीत हो रही थी, तो उसने जो है वो ट्रीसियस से कहा था कि मेरे पास जो है वो कोई बर्ड्स की जो है वो ताकत नहीं है, ना कोई मेरे पास जो है वो मतलब मैं बिल्कुल एक कॉमन मैन था, और तुम तब कहाँ थे जब हेल कैट जो है वो यहाँ पे अपने गुल खिला रही थी, लोगों को मार रही थी, तुम्हारे पास तो गैब का इल्म था और तुमने जनाबे वाला कोई भी इनकी मेरे लोगों की कोई मदद नहीं की, लेकिन मैं एक आम सा शख्स, एक कहने के एक आम शख्स जो है वो आया और उसने आके जो है वो इस स्फिंक्स की रिडल को जो है वो सॉल्व किया था. तो ये बेसिकली ये सारी बातें जितनी भी कर रहा है वो अपने गरूर में ही कर रहा है. ठीक है, सो यही उसका कसूर था. जो प्राइड होता है वो किसी भी मज़हब में एक्सेप्टेबल नहीं है. शैतान ने भी, इब्लीस ने भी तो एक सजदा ही नहीं किया था, वो भी तो प्राउड में आ गया था और अल्लाह ताला ने उसको अपनी अदालत से जो है वो निकाल दिया और आज तक तो वो जो है वो भटकता फिर रहा है. आपने कितने ही लोग देखे होंगे कि जिसने भी प्राउड किया, ठीक है, वो सारे ही तबाह बर्बाद हुए. मेरी आँखों देखा हाल है कि एक शख्स को मैं जो है वो देखता था सिविल हॉस्पिटल में, कह रहा हूँ CMH में, अमीर शख्स था वो काफ़ी. तो मतलब वो ना एक दिन ऐसा हुआ कि एक वो ना जिस वार्ड में वो था ना, उधर एक दो चार गरीब बेचारे लोग होते थे उधर. ठीक है, तो वो जनाबे वाला उनसे चौधरी बंदा था, वो उनको कहने लगा कि मेरी जो है वो आके टांगे दबाओ. उसने दो चार अपने मरीज जो है वो पैदा कर लिए. आर्मी वाले जो है वो आए और उन्होंने कहा कि यार ये देखो, इस तरह के काम जो है वो यहाँ पे नहीं चलते कि तुम यहाँ पे आके टांगे दबवाते हो और ये इस तरह के काम. भाई ये CMH है, ठीक है, आर्मी का हॉस्पिटल है, तो तुम इस तरह के काम जो है वो ये प्रोटोकॉल अपने जो है वो बाहर रखो. तो उसने जो है वो जो था ना गरीब बंदा, उसको ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि ठुड्डे मारना, वो उसको जो है वो मारता था.
कहते तेरे से जान नहीं है, जोर दी दुबा। तो मतलब एक बंदा जो लैंड क्रूजर पे आता हो, उसको कोई बीमारी थी, तो वो जो है वो मैंने अपने जो है वो आंखों से उसका हाल देखा कि वो बंदा, उसमें जो 5-6 गाड़ियां उसके घर में खड़ी थी, ठीक है, और वो 5-6 गाड़ियां जो है वो दिनों में जो है वो उसके पास से है वो खत्म हो गई, ठीक है। मतलब ये कि किस तरह से जो बंदा गरीबों को या इस तरह से गुरूर में आ जाता है, और जब इंसान के पास पावर आती है और घूमने वाली कुर्सी पे वो बैठ जाता है और अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा जो है वो समझना शुरू कर देता है, ठीक है। और जो गॉड्स गुरूर जो है वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह की जात के लिए है, ठीक है। तो वो शख्स के साथ फिर ऐसा हुआ कि उसकी वो सारी गाड़ियां भी बिक गई और पूरी दौलत भी उसकी खत्म हो गई, लेकिन वो उस बीमारी से जो है वो जान नहीं छुड़वा पाया, ठीक है। तो ये उसके गरूर का, कह लें कि उसको जो है वो अंजाम, उसके गरूर का उसको जो है वो सजा मिली। सो हम जो है वो ये भी देखते हैं कि मतलब फिरौन को हमने देखा, बड़े बड़े लोग अबू जहल को हमने देखा, और ये सारी मतलब इनकी हम बातें पढ़ते हैं कि जो जो जिस जिसने भी गुरूर किया वो तबाह बर्बाद हुआ, ठीक है। तो गुरूर जो है वो किसी भी रिलीजन में उसको लायक नहीं किया जाता, तो ईडीपस ने भी तो गुरूर ही किया था, सो दैट्स वाई उसको जो है वो उस गुरूर की जो है वो सजा मिली। अच्छा, ही नॉट ओनली कमिट्स वन एरर, देर इज अ चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स। वो सिर्फ एक एरर की वजह से उसको सजा नहीं मिली, यहाँ पे बहुत से एरर उसने कमिट किए थे, बड़ी गलतियाँ की थी जिनकी वजह से उसकी ट्रेजेडी जो है वो हुई है। ही शुड हैव बीन मच मोर कॉन्शियस व्हेन ही इज एल्डर व्हेन इन एल्डरली पीपल ही वुड हैव सॉल्व द रिडल ऑफ हिज बर्थ एट द कोरंथ व्हेन सर्टेन रूमर्स वर स्प्रेडिंग, ठीक है। सो ये उसी रिडल की जो है वो बात हो रही है कि किस तरह से उसने जो है वो रैकल लिया, एल्डरली पीपल में था वो, ठीक है, और उसको जो है वो रैकल मिला, और उसने बजाय ये कि वो इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, मतलब अपने आप को जो है वो सेव करे, अपनी अकल इस्तेमाल करे, उसने अपनी ही इन्वेस्टिगेशन अपनी बर्थ की और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी, ठीक है। और वो मर्डर भी उसने खुद ही किया हुआ था, अपने बाप को भी उसने खुद ही मारा हुआ था। जब उसको ओरेकल मिला था, उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी ना कि यार मुझे ओरेकल में जो है वो किसी शख्स को मारने का जो है वो कहला के एक साइन दिया गया है, ठीक है, और एक बुरा शख्स होगा, तो क्या मैं जो है वो मतलब मैं इसको कत्ल करने जा रहा हूँ, या मैंने इनसे जो है वो झगड़ा कर लिया है इन लोगों के साथ, तो उसको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था ना। और जब वो एक शादी कर रहा था और अपनी से दुगनी औरत की उम्र के साथ शादी कर रहा था, तब भी उसे सोच लेना चाहिए था, लेकिन उसने जो है वो नहीं सोचा, ठीक है। गॉड ने उसको जो है वो मौके बहुत दिए सोचने के, लेकिन उसने नहीं सोचा, और मतलब हर कदम कदम पे उसको जो है वो मौका मिला, और किस तरह से उसने अपनी रैशनेस की वजह से, अपने ओवर कॉन्शियस कॉन्शियसनेस की वजह से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने कह लें कि वो क्यूरियस नेचर जो है उसकी वजह से उसने अपना जो है वो सारी चीज़ें तबाह बर्बाद कर ली। ईडीपस का कसूर ये नहीं था कि उसने जो है वो अपनी माँ से शादी की और अपने बाप को कत्ल किया है, वो तो उसकी फेट का एक एलिमेंट था, वो हो के ही रहना था, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए वेज कौन कौन से यूज़ किए थे, ठीक है, किस तरह से उसने गॉड्स को जो है वो बुरा भला कहा है, और किस तरह से उस वो जो है वो प्राउडी हो गया, और किस तरह से उसने जो है वो अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस किया और गॉड्स के लेवल तक जो है वो अपने आप को पहुंचाना चाहता था। इंसान इंसान ही होता है, इंसान खुदा नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन उसने जो है वो खुदाया बनने की कोशिश करना शुरू कर दी थी, ठीक है। किस तरह से उसने जो प्रॉफिट है उसको भी जो है वो बेइज्जत किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली कह लें कि ये उसकी जो है वो ट्रेजेडी का बायस बने। इस वीडियो को मेरा बेटा मैं इधर तक ही ख़त्म करने लगा हूँ, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से आगे से जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तो फिर वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।